नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुभे और आज हमारे साथ यहां पर मौजूद है डॉक्टर अविरल जैन। सर के बारे में बता दूं, सर सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन भी हैं। तो हम सर से जानते हैं कि किस तरह से उनका ये पूरा सफर रहा और कोविड के वक्त में सर ने किस तरह से काम किया। सर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो मैं ये करना चाहूंगी कि डॉक्टर का पेशा चुनने के पीछे क्या वजह रही, और भी कई सारी स्ट्रीम थी जो आप चुन सकते थे। नमस्कार नमस्कार इंदौर वासियों, मैं डॉक्टर अविरल हूँ। और डॉक्टर का पेशा तो ऐसा हुआ कि 2005 में MBBS का जो एक कोर्स होता था, बिकॉज माय फादर इज डॉक्टर, तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता था कि डॉक्टर बनना। और जब हम छोटे थे तो मुझे ऐसा लगता था कि सर्जन बनना है, सर्जरी करना है और लोगों का हेल्प करना है। तो इट इज स्टार्टेड इन 2005। मेरा MBBS हुआ MGM मेडिकल कॉलेज से, मैंने मेरी शिक्षा की है। और उसके बाद फिर मेरा MS सर्जरी हुआ है। सर्जरी में जो स्पेशलाइजेशन हुआ है वो मैंने मुंबई से किया है, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल वीकेंड से, JJ हॉस्पिटल मुंबई, ग्रांड मेडिकल कॉलेज। फिर उसके बाद मेरा सुपर स्पेशलिटी में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आया था। देन 3 साल का एक सुपर स्पेशलिटी का कोर्स होता है AIG हैदराबाद, ये भी इंडिया का बेस्ट पेट का गैस्ट्रो डेडिकेटेड सेंटर है। तो वहाँ से 3 साल की पढ़ाई की। उसके बाद मेरा फिर कुछ टाटा हॉस्पिटल मुंबई है, वहाँ पे भी 6 महीने के लिए मैंने जो भी मेरा एजुकेशन को और परफेक्ट और प्रिसाइज के लिए वहाँ से भी मेरा एक्सपीरियंस रहा। फिर फाइनली सब कुछ करके लगभग 14 साल का पढ़ाई करके मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में कार्य कर रहा हूँ, लगभग 3 साल हो गए हैं मुझे। और 2018 स्टार्टेड, 1.5 साल लगभग अच्छा गया, फिर ये लास्ट 1.5 ईयर से तो आप सभी को पता है कोविड स्टार्ट हुआ। तो इसकी एक हमारी अलग जर्नी रही, इसका अलग हमारा एक प्रयास है, कोशिश है हमारा। जी सर, आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, तो अगर आसान भाषा में हम समझना चाहें तो आप किन बीमारियों का? तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और मतलब पेट के संबंधित बीमारियों का डॉक्टर। तो प्रिसाइजली मैं सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मतलब जो पेट के विषय की बीमारियां होती हैं, पेट का विशेषज्ञ जो होते हैं, और पेट के विशेषज्ञ जो से पेट की सर्जरियां करती हैं, जिसमें हर्निया, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, कैंसर्स की सर्जरी जो होती है, लीवर की सर्जरी होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर ट्रांसप्लांट, तो इस टाइप के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसको हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बोलते हैं। और सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, चूंकि मैं सर्जरीज करता हूँ इसलिए मेरा एक्सपर्टाइज है सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। जी, अभी आपने लीवर ट्रांसप्लांटेशन की बात की, तो ये किस तरह की प्रोसेस होती है? देखिए, लीवर ट्रांसप्लांट क्या होता है कि किसी कारणवश यदि किसी व्यक्ति का लीवर खराब हो गया, समझिए शराब पीने से या फिर उसने कुछ दवाइयां खाई जिससे लीवर फेल हो गया, या फिर कोई ऐसा लीवर के अंदर कैंसर है जहाँ पे हमको लगता है कि इस व्यक्ति का यदि लीवर बदल दिया जाए तो शायद इसके जीवन में वृद्धि हो सकती है। तो किसी परिचित, कोई उसका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसकी सिस्टर, उसका ब्रदर, यदि आधा लीवर दें, उसको हम बोलते हैं डोनर लीवर ट्रांसप्लांटेशन, मतलब कोई उसका रिलेटिव उसको यदि लीवर दे तो इसको हम लीवर ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, जैसे कई बार आपने सुना होगा ऑर्गन डोनेशन, कोई भी व्यक्ति जो कि जिसकी सडन डेथ हो जाए, फॉर एग्जाम्पल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, और बिल्कुल उसका अचानक मृत्यु हो जाए तो वो अपने ऑर्गन यदि डोनेट कर ले, तो हम उस मृत व्यक्ति का लीवर निकाल के किसी एक ऐसे व्यक्ति को लीवर दे दें जिसको उसकी जरूरत है, ताकि उसका जीवन में वृद्धि हो जाए, और ये जीवन में वृद्धि शायद 10 साल, 15 साल, 20 साल हो जाए। तो एक बहुत न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू एक्सपर्टाइज है, इंदौर में भी इतना एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं है। हमारी कोशिश है कि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए लोग जागरूक हों। एक बॉम्बे हॉस्पिटल में हमने लीवर ट्रांसप्लांट किया भी है, 100% सक्सेसफुल रिजल्ट था, बहुत अच्छा है, पेशेंट इज स्टिल अलाइव। तो आई थिंक थोड़ा सा लोगों में जागरूकता की जरूरी है, पर आई थिंक नेक्स्ट 10 ईयर में लीवर ट्रांसप्लांट होने लगेंगे बहुत कंटिन्यूसली। सर, कोविड के समय डॉक्टर्स ने सबसे ज्यादा काम किया, तो इस दौरान आपने किस तरह वर्क किया? मैम देखिए, कोविड में आई थिंक जब लाइक युद्ध होता है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो हमारे सोल्जर्स आर द फर्स्ट पर्सन टू फाइटिंग। तो इस कोविड में डॉक्टरों का 100% बेस्ट एफर्ट रहा। मैं एज ए सर्जन, हम लोगों में, मैं फिजिशियन तो नहीं हूँ, तो मेरा डायरेक्ट कोविड पेशेंट के
ट्रीटमेंट में, कोविड पेशेंट के गाइडलाइन में, कोविड पेशेंट के डायरेक्ट, यू नो, बिकॉज मैं फिजिशियन नहीं हूँ, मेरा बहुत ज्यादा रोल नहीं रहा, पर एज ए सर्जिकल, कई बार क्या होता है कोविड पेशेंट को सर्जिकल इमरजेंसीज भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोविड पेशेंट को यदि अपेंडिक्स हो गया तो ऑपरेट करना भी जरूरी है, तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये कोविड है, मुझे कोविड हो जाएगा तो हम इसकी सर्जरी ना करें। तो इवन आई हैव ऑपरेटेड नाउ मोर देन 50 कोविड पेशेंट, 50 से ज्यादा कोविड पेशेंट की मैं सर्जरी कर चुका हूँ, और कोविड पेशेंट की कई समस्याएं हैं जिनको हमको इवन सर्जन को जाके देखना पड़ता है आईसीयू में, वार्ड में। तो हमारी तरफ से कोई डिनाइल नहीं रहा कि यदि ये बीमारी उनको है और मुझे लग गई, इवन पीपीई किट पहन के हम लोग आईसीयू गए। तो एक तरीका, तो जो मेरी फील्ड है, जो मेरी एक्सपर्टाइज है, मैंने उसमें कोई कमी नहीं रखी और उससे कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा। दूसरा, फिर ऑब्वियसली काम कम हो गया, कहीं ना कहीं हम लोग भी घर के अंदर कैद हो गए। तो दूसरा तरीका जो मैंने अपनाया, मैंने 1.5 साल पहले आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, जस्ट रैंडमली एक वीडियो बनाया, उसको फेसबुक पे डाल दिया, और सरप्राइजिंगली मोर देन 1.5 लाख लोगों ने उसको देखा, व्हाट्सएप पे वो वीडियो सर्कुलेट हुआ। एंड देन आई एम सो हैप्पी कि चलिए लोगों को मैसेज पहुंचा, लोगों ने मास्क लगाना चालू कर दिया, लोगों ने हाथ सैनिटाइज करना चालू कर दिया। तो आई स्टार्टेड सो मैनी वीडियोस, जो भी मिथ्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी डाउट्स होते हैं। तो आई हैव डन सो मैनी फेसबुक लाइव सेशन जहाँ लोगों के मन की शंकाएं थी वो दूर की। तो इट इज ऑल चैरिटेबल वर्क, कोई पैसा नहीं लिया, बट जिन लोगों की मैं मदद कर सका, क्योंकि ना इसमें मेरा बहुत समय खर्च हुआ ना पैसा खर्च हुआ, बट एक छोटा सा मेरा प्रयास था लोगों को जागरूक करने का, मैं अभी भी करता हूँ। तो वो एक स्टार्ट हुआ है और आई थिंक नाउ इट इज गेनिंग मोमेंटम, लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है। कोरोना के वक्त काम करके आपने अपनी साइड से बेस्ट दिया, लेकिन कुछ परेशानियां थी जो इस दौरान आई आपके सामने, और फैमिली ने फिर कैसा रिस्पांस दिया इस चीज पर? नहीं, बिल्कुल है, फैमिली तो सफर करी है। देखिए क्या होता है, जब कोविड पेशेंट को हम लोग ट्रीट करते हैं तो एक तो पीपी गाउन किट, और फिर घर जाके यू नो हमको पूरा एटमोस्ट प्रिकॉशन लेना है कि, बिकॉज जैसे मेरी वाइफ नॉन मेडिकल है, बच्ची है मेरी 2 साल की है, तो उनको ना हो जाए। सबसे बड़ा डर हमारा डॉक्टर का ये था कि उसके परिवार को कुछ ना हो जाए, वो हॉस्पिटल से कोविड बीमारी लेके अपने परिवार को ना दे दे। तो घर जाके पूरा नहाना, गार्गल्स करना, पूरा आइसोलेशन में रहना, यदि आपको लगता है कि आप किसी सस्पेक्ट केस के कांटेक्ट में हो तो 2-3 दिन आप अपने परिवार वालों से दूर रहो। और कहीं ना कहीं जब ऐसा रहता है सब, आप फॉर एग्जाम्पल पीपी किट पहनते हो तो कई बार यू नो आप 3-3 घंटा, 2-2, 3-3 घंटा आपके पास मोबाइल नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल घर में कुछ इमरजेंसी हो जाए, कोई आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे, तो आप नहीं पहुंच पाते। तो बहुत छोटे छोटे से प्रॉब्लम है, बट आई थिंक यू नो नेशन फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। तो आई एम हैप्पी कि पीपल आर नाउ रिकवरिंग, इंडिया इज रिकवरिंग एंड एवरीवन इज हैप्पी। सर, आफ्टर कोविड मेडिकल सर्विसेज में क्या इम्प्रूवमेंट? नहीं, मेडिकल सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट है और बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होना भी चाहिए। See now, I can say very confidently we are prepared for third wave. Now everyone is asking कि first wave इतना ज़्यादा severe नहीं था, second wave is very 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 dangerous. We lost बहुत सारी life, जीवन जो loss किया, कई you know issues आए, oxygen cylinder, bed, ventilator. पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है state government, central government, private setup, जो छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं, नाउ दे आर रेडी, ऑक्सीजन है, बेड है, वेंटिलेटर है, पीपी है, मास्क है, किट है, दवाइयां हैं। से क्या होता है, आप समझने की कोशिश करें, सडनली कोई चीज आए, अभी सपोज करो इंदौर में बाढ़ आ जाए, वी आर नॉट रेडी फॉर दैट, क्योंकि कभी आई नहीं, तो कोई चीज जो हुई नहीं उसके लिए हम रेडी नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल सेकेंड वेव इज लाइक दिस ओनली, बट आई एम अश्योरिंग यू थर्ड वेव के लिए इंदौर, इंडिया, MP हम लोग बिल्कुल रेडी। सर, एज अ सर्जन आपने कई सारी सर्जरी की होंगी अभी तक, तो कोई ऐसा डिफिकल्ट केस है या मेमोरेबल केस है जो आपको याद है और हमेशा याद रहेगा? एक है काफी पुराना, मेरा पेशेंट था, इट इज अराउंड 2011 आई थिंक, मैं मुंबई में पढ़ाई कर रहा था और उस टाइम पे यदि आप लोगों को याद हो कुछ मुंबई में जावेरी कांड और ब्लास्ट हुए थे। तो देर इज ए वन पेशेंट जिसके ऊपर उस ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग के ऊपर का कुछ एक रॉड होता है जो उसके पेट के अंदर से, इवन किडनी लीवर के अंदर से, देन वी ऑपरेटेड दैट पेशेंट अराउंड रात को 8:30-9 घंटा सर्जरी चला।
but we are able to save that patient, and then that patient is still is a good friend of mine. फिर वो उसने बताया after 7 years कि he had taken my photograph और उसने अपना भगवान के बाजू में मेरा फोटो लगा के रखा है. तो आई थिंक दिस इज द वे द डॉक्टर्स आर डूइंग देयर वर्क, कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करना. सो सर्जरीज इज अ डिफिकल्ट जॉब बट वी आर डूइंग अवर जॉब. सर थर्ड वेव को लेकर काफी चर्चा है, और अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो थर्ड वेव से लड़ने में वैक्सीनेशन कितना सहयोग करेगा? नहीं नहीं, दैट वैक्सीनेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग राइट नाउ. किसी भी व्यक्ति के लिए यदि कोई सबसे जरूरी काम है तो मैं बोलूंगा वैक्सीनेशन. यदि आप 18 वर्ष के ऊपर हैं, यदि आपका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब यदि कोई कारण नहीं हो कि हम ना ले सकें, अवेलेबिलिटी का इशू गवर्नमेंट दूर कर रही है, आप इमीडिएटली वैक्सीनेशन कराएं. आपके माता पिता, परिवार, संबंधी सभी को जागरूक करें. नहीं जाते हैं, उनके कुछ मन के डाउट हैं, डॉक्टर के पास लेके आए. वैक्सीनेशन इज द ओनली टूल जो मुझे लगता है कि थर्ड वेव को कम करेगा, थर्ड वेव की सीवियरिटी को कम करेगा. और इवन खुदा ना खास्ता आपको हो भी गया कोविड, तो आपको उसका सीवियरिटी कम होगा. शायद आपको एक या दो दिन एडमिट होना पड़े पर आपकी डेथ ना हो. मैं इतनी फ्रेंक और क्लियर बात कर रहा हूँ. तो वैक्सीनेशन कराएं, बिल्कुल कराएं, कोई उसमें डाउट नहीं रखें, शंका नहीं रखें. मास्क आप लगाए रखें, मैंने अभी नहीं लगाया क्योंकि हम वी आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस. मेरा वैक्सीनेशन हो चुका हूं और मैं दूर हूं, कोई इस कमरे में टोटल 2 या 3 लोग हैं. घर पे भी आप इस तरीके से रह सकते हैं, पर बाहर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको मास्क लगाना है, हाथ धोते रहना है, सैनिटाइज करना है और वैक्सीनेशन. तो 3 चीजें मेरे से, मेरी तरफ से, मास्क लगाएं, हाथ धोएं और वैक्सीन करवाएं. सर वैक्सीनेशन के बाद कोरोना प्रोटोकॉल का लोगों ने इग्नोरेंस शुरू कर दिया है, तो क्या वो दैट इज द प्रॉब्लम मैडम? बिकॉज वी आर इन इंडिया, हम लोग, हम ठीक हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं, हम सफर करते हैं तो हम फिर परेशान होते हैं. अभी आप 56 में जाएं, 56 ऐसा मैं एक पर्टिकुलरली नाम लूंगा तो फिर उसमें पॉलिटिक्स हो जाएगी, बट यू नो इंदौर में सभी जगह अभी लोग घूम रहे हैं. मतलब मुझे लगता है घूमना चाहिए, 1.5 साल से बंद है, पर यू नो एक मास्क लगा के घूम रहे तो दैट इज अ गुड आइडिया. आप इवन पिकनिक जा रहे हैं, स्पॉट जा रहे हैं, पर फिर भी आप मास्क लगाएं. अब आप लोग मुझसे पूछते हैं खाना कैसे खाएं मास्क लगा के, जब ऑर्डर आ जाए बिल्कुल टेबल के सामने तब आप हटाएं, बट आप रेंडमली आप बाइक में घूम रहे बिना मास्क के, तो दैट इज रॉन्ग. आप देखिए क्या होगा, फिर थर्ड वेव आएगी और फिर डॉक्टर ने काम नहीं किया, तो दैट इज रॉन्ग. आप लोगों को समझना है, गवर्नमेंट एंड डॉक्टर्स आर डूइंग देयर बेस्ट वर्क. मैम ऐसा तो कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं रहा, बट यू नो मैं फर्स्ट रैंक था इंडिया में, मेरा सुपर स्पेशलिस्टी गैस्ट्रो सर्जरी में जो मेरा सिलेक्शन हुआ था, और आई कैन से दुनिया और इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन है. और उसके बाद एक टाइसा अवार्ड, टोरेंट विनर अवार्ड है, उसमें भी मैं इंडिया में फर्स्ट रैंक हूँ. जो गोल्ड मेडल अवार्ड होता है, एक काफ़ी फेमस रंगावश्यम अवार्ड बोलते हैं उसको, इंडिया में किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है 1 साल में, उसकी हाईएस्ट डिग्री और एक्सपर्टाइज के लिए, वो भी मुझे मिला है. और आज लगभग इंदौर में मुझे 3 साल होने को आ गए हैं, 1000 के आसपास मेरी कुछ सर्जरीज हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म किए मेरी टीम ने, और पीपल आर हैप्पी, सेटिस्फाइंग. तो मेरा पर्पस यही है, डेडिकेटेडली पेट का अच्छा काम करें, पेट की सर्जरीज का अच्छा काम करें, लेप्रोस्कोपी में काम करें, लीवर ट्रांसप्लांट का अच्छा काम करें. और आई थिंक इंदौर को मतलब ये देना है कि कोई सर्जरी करवाना हो तो बम्बई ना भागना पड़े, दैट इज माय एम. सर आप हमारे यूथ और सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली यूथ को, कि किस तरह वो खुद को बिल्ड करे कि सोसाइटी अच्छे से चल सके? अभी तो यही है यूथ के लिए मैम, दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू वेरी बैड फेज. यू नो समझना है, जिसने IIT पास किया है, MBBS पास किया है, ही इज लुकिंग फॉर जॉब्स, और कहीं ना कहीं एग्जाम डिले हैं, वो थोड़ा सा सफर्ड कर रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज उसको लगता नहीं है. तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी बैड फेज फॉर देम. बट मुझे, मैं आई विल अश्योर यू, मैं भी कोई, आई एम नॉट ओल्ड, आई एम 35 ईयर ओनली, बट मेरे को लगता है कि जस्ट ए मैटर ऑफ 1-2 साल है. आप पेशेंस रखें, हिम्मत रखें, एक अच्छा टाइम आएगा, जॉब्स आएंगे, यू नो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, आपका बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगी. सी कोविड कभी ना कभी तो ख़त्म होगा, वापस से बैक टू नॉर्मल लाइफ आएंगी, ट्रेवल स्टार्ट होगा, कंपनी स्टार्ट होंगी, सब कुछ होगा. थोड़ा सा टाइम, पेशेंस रखें. इवन लोग, कई कई लोग फाइनेंशियल इशूज से गुजर रहे हैं,
फैमिली फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे हैं, वी लॉस्ट सो मेनी लाइव्स, तो थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। मुझे लगता है 1-1.5-2 साल में चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी, हम लोग बिल्कुल ठीक रहेंगे, ठीक हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर अविरल ने हमें कई सारी बातें बताई और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कही है कि वैक्सीनेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।